पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में इंडियन रोटी बैंक के एक वर्ष पूरा होने पर वार्षिक उत्सव मनाया गया। सिविल लाइन्स स्थित अम्बेडकर पार्क में आयोजित इंडियन रोटी बैंक के वार्षिक उत्सव में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि हमारा मकसद हर भूखे तक भोजन पहुंचाना है, जिससे कोई गरीब भूखे पेट ना रहे। इसके लिए इंडियन रोटी बैंक से जुड़े लोग सार्वजनिक धार्मिक स्थलों के अलावा रेलवे स्टेशन, रोडवेज आदि पर जाकर गरीब और भूखे लोगों को खाने के पैकेट उपलब्ध करवाते हैं। भूखे व जरूरतमंदों को एक पहर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने वाली एक राष्ट्रीय संस्था है इंडियन रोटी बैंक, जो भारत के 9 राज्यों में 37 जनपदों में 52 इकाइयों में बिना किसी धर्म, जातिवाद या कोई चंदा डोनेशन के जरूरतमंदों को एक पहर निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराती है। और उसी क्रम में एक वर्ष पहले इसी स्थान पर इंडियन रोटी बैंक मुरादाबाद की स्थापना की गई थी, यहाँ के सम्मानित पदाधिकारियों के नेतृत्व में, और आज उसका एक वर्ष सेवा का पूरा हुआ है। और उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने वार्षिकोत्सव का आयोजन किया है कि हम लोग ये चाहते हैं कि और भी मुरादाबाद के लोगों तक हमारी बात, हमारा संदेश आपके माध्यम से पहुँचे, और ज़रूरतमंदों को जो हम लोग भोजन उपलब्ध कराते हैं उसमें अधिकतम लोग हमारे साथ जुड़ें, हमारे साथ सीधे संपर्क करके हमारे साथ जुड़कर और भी ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक हम उनके भोजन और जो भी सेवाएँ हैं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इस अभियान के तहत हम पूरे उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली, राजस्थान, कई शहरों में कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इंडियन रोटी बैंक के संस्थापक विक्रम पांडे, चित्रा शर्मा, मेहंदी अशरफी, सलमान सैफी, राजेश कुमार मौर्य, कमलदीप छाबड़ा, दीपक शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। एक साल पूरा हुआ है इंडियन रोटी बैंक की स्थापना, एक साल पहले हुई थी मुरादाबाद में, आज पूरा एक साल इसको हो गया है। और इस प्रोग्राम में इस हमने ये तय किया है कि अब आने वाले समय में ये चीज़ रहनी चाहिए कि हम लोगों का सड़क से जो भी हमें जिस काबिल तारीफ कोई भी आदमी जिसका काम के काबिल लगता है तो हम उसका डॉक्टरी इलाज भी उपलब्ध करवाते हैं, फिर उसको सही जगह पर काम भी दिलवाने की कोशिश करते हैं। रोटी प्लस रोजगार। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।